ये वाली रेसिपी देख के डेफिनेटली आपके मुंह में पानी आने वाला है, क्योंकि ये रेसिपी देखने में इतनी मस्त है तो खाने में कितनी मस्त होगी। तो आज हम बनाएंगे पनीर बटर मसाला। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पनीर। पनीर बनाने के लिए दूध में एक उबाल लाना है और फ्लेम को स्लो कर देना है, और फिर उसके अंदर विनेगर और पानी मिक्स करके डालना है। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप नींबू भी यूज़ कर सकते हो। तो नींबू के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको दूध के अंदर डालिए और उसको कंटिन्यूसली हिलाइए। तो ये देखो पनीर फटाफट से बन जाएगा। तो एकदम इजी प्रोसेस है पनीर बनाने का। तो ये हमारा पनीर एकदम रेडी है। और अब मैं एक ट्रिक भी आपको देने वाली हूँ कि पनीर के नीचे जो पानी बच जाता है तो वो पानी मोस्टली सब फेंक देते हैं, लेकिन उसको फेंकना नहीं है, उसको हम छान के ले लेंगे कोई बर्तन में। ये पानी के अंदर दूध के अंदर जितने मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम वगैरह, वो आधे अधूरे इसमें रह जाते हैं, तो ये पानी हम फेंकेंगे नहीं। तो सबसे पहले हम पनीर को पहले क्लीन कर देंगे, क्लीन पानी से धो के और निचोड़ के सारा पानी हम निकाल लेंगे और ये हमारा पनीर अलग हो जाएगा। और ये पनीर का जो पानी है उससे हम चावल बना सकते हैं, आटा गूंथ सकते हैं, किचन में कोई भी रेसिपी हो या फिर कोई भी सब्जी में वगैरह में हम ये पानी यूज़ कर सकते हैं। तो ये पानी अभी फेंकना नहीं है, हमें उसे यूज़ में लेना है, और इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। चावल भी बहुत अच्छे खिले खिले बनते हैं और आटा भी अच्छा गूंथता है। तो अब हम हमारी रेसिपी पे आते हैं। तो पनीर बटर मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सुहाना का रेडीमेड मिक्स जो आता है वो लिया है, क्योंकि इससे बहुत ही इजी हो जाएगा ये बनाना और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप जितना दूध लिया है और ये जो मिक्स था उसको मैंने इसके अंदर अच्छे से घोल लिया है। और अब हम एक पैन में लेंगे थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा बटर। अकेला बटर नहीं लेना है, बटर अकेला लेंगे तो जल जाएगा, तो ऑयल और बटर दोनों मिक्स करके लेंगे। बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाए फिर उसके अंदर डालेंगे सब्जियां। यहाँ पे मैंने कैप्सिकम, गाजर, प्याज और लहसुन, ये सारी सब्जियों को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। एक एक करके डालने की कोई ज़रूरत नहीं, साथ में डालेंगे तो चलेगा, लेकिन खाली टमाटर को लास्ट में डालना है। तो पहले मैंने सब सब्जियां सॉटे कर दी और फिर लास्ट में मैंने टमाटर को डाल के उसको भी सॉटे कर दिया। अब हम उसमें मसाले करेंगे। तो मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है, हल्दी और लाल मिर्च, उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसको 5 मिनट हम ढक के पका लेंगे क्योंकि सब्जियां सॉफ्ट हो जाए। तो ये हमारी सब्जियां सॉफ्ट हो गई हैं, 5 मिनट में इसको ढक कर रखा और अच्छे से पक गई हैं। और अब ये जो हमने मिक्स बनाया था वो मिक्स हम उसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसको भी हम 5 मिनट ढक के पका लेंगे लो फ्लेम पे। और ये देखो हमारी ग्रेवी एकदम रेडी है, इसमें बटर और ये जो हमने ऑयल डाला था वो एकदम छूट के बाहर आ गया है। इसका मतलब है हमारी ग्रेवी एकदम रेडी है। और अब हम डालेंगे इसके अंदर पनीर जो हमने बनाया था। ये देखो एकदम मस्त पनीर रेडी हो चुका है। तो इसके अंदर हम उसको छोटे छोटे पीसेस करके डाल देंगे। अगर आपको कच्चा पनीर पसंद नहीं है तो उसको आप बटर या फिर ऑयल में थोड़ा सा सॉटे करके यूज़ कर सकते हो। अब पनीर डाल के उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये पनीर बटर मसाला एकदम रेडी है, उसको मैंने गार्निश किया है थोड़े से धनिए और फ्रेश क्रीम के साथ। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब। ओके बाय।